ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ ਸ਼ਫਾਫ ਹਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਜਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂਝਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰਦੇ ਸਾਂਝਤ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿੜਿਆ ਅੰਗ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਐਸਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੈਸੀ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਵਾਹਦ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ये एक मकान है जो पाकिस्तान बनने से पहले का है गालबन और इसकी ये देखें छतें देखें अभी भी ये वैसे का वैसे ही है ये पहला दूसरा और ये तीसरा तीन घर हैं ये और ये छोटी छोटी दीवारें जो हैं ये इनकी पार्टीशन है घरों की और बाहर वाला ये सहन है पीछे इनके कमरे हैं ये तंदूर की बनी हुई मिस्सी रोटियाँ ये बेसन की रोटियाँ हैं साथ में लस्सी है क्या आपने भी ये वाली आइसक्रीम अपने बचपन में खाई है हमने तो बहुत खाई है ये एक ताला है गालबन 100 साल पुराना होगा इसको खोलने की कोशिश करते हैं ये आज भी वैसे का वैसा ही है बिल्कुल सही काम कर रहा है ये अपने दौर की बहुत फेमस गेम है अब भी खेली जाती है अगर आप इसका नाम जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। ये बारिश के बाद का नज़ारा है तमाम घर देखें कैसे भीग चुके हैं ये सीढ़ियां भी खस्ता हो चुकी हैं जब धूप निकलेगी तो इनको दोबारा रिपेयर किया जाएगा छत पर चढ़ते हैं वहाँ से देखते हैं गाँव का नज़ारा ये देखें सारे घर भीगे हुए हैं ये गांव में मेला लगा हुआ है जी ये गांव में किसी की बारात आई हुई है
ये एक सामने घर है और इसका सेहन बिल्कुल ओपन है, और इन लोगों ने बिल्कुल साइड पे कोने पे अपने किचन बनाए होते हैं। ये छोटा सा किचन है छपरे के नीचे, और ये बिल्कुल ओपन है, ये चूल्हा बाहर वाली साइड पे है। ये एक और घर है, इसका सेहन देखें, दरमियान में दरख्त लगे हुए हैं। कितनी सफाई है, कितना साफ सुथरा माहौल है। नाज़रीन, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे चैनल देसी पंजाब को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।